बसपा ब्राह्मण सम्मेलन लेती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। और एक मूवी आने वाली है जिसका मूवी का नाम है जय भीम। ठीक है सर, बाबा साहब ये बात कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में रहने वाले महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। तो किसी भी चीज की आदत लगाने के लिए आपको उसको समय देना पड़ता है, तो उसी में से एक चीज ये हमारी दूध की चुस्की हुई। जैसा चाय को छोड़ना और फिर दूध को शुरू रखना ये हमने रखा, और इसके कारण इसकी हैबिट भी अभी लग चुकी है। तो जब तक ये नहीं होता तो सुबह हुई ऐसा लगता ही नहीं है। तो दूध की चुस्की के साथ में आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी फरा। आज की जो तारीख है वो है 24 जुलाई, और 24 जुलाई को क्या हुआ था? आज है आषाढ़ पूर्णिमा और आज वर्षावास का प्रारंभ होने जा रहा है। वर्षावास की शुरुआत आज के दिन होने वाली है, जो आने वाले 3 महीनों तक के ये वर्षावास चलने वाला है। वर्षावास एक ऐसा समय है कि जहाँ पर 3 महीने तक के जो बंते जी होते हैं वो एक जगह रहकर बुद्ध विहारों के अंदर में बुद्ध उनका धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि ऐसे समय के अंदर में बाहर निकलना यह सही नहीं होता। खुद का चिंतन मनन करते हैं और जो भी सवालात है जो बुद्धिज्म से आते हैं या फिर जो भी जिंदगी से रिलेटेड है वो सारे सवालों के जवाब या ध्यान चिंतन वो इस ड्यूरेशन के अंदर में करते हैं। और इसमें सबसे खास बात ये होती है कि जहां पर भंते जी 8 शीलों का पालन करते हैं वो 10 शीलों का पालन करते हैं, और जो उपासक बुद्धिज्म के अंदर में आते हैं वो 5 शीलों का जो पालन करते हैं वो 8 शीलों का पालन करते हैं। ये यहां पर डिफरेंस है। लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा कि राहुल और मोहित ये नागपुर गए थे, लेकिन अभी वो वापस आ चुके हैं। तो वो जब वापस आए थे तब मैंने एक ब्लॉग निकाला था, तो आप वो देख लीजिए। राहुल और मोहित वापस आ गए हैं, है ना? 2 दिन के लिए गए थे तो 2 दिन के बाद में ये लोग आ गए हैं। मोहित अभी भी मास्क लगाया हुआ है, निकाला नहीं है, और इतना सारा सामान लाए हैं ये लोग, है ना? कैसा रहा 2 दिन का ट्रिप? अच्छा रहा? मजा आई शादी में? हाँ। क्या डांस किया था क्या? हाँ। ये दोनों ने डांस किए? अच्छा, राहुल और मोहित यहाँ पर क्या करे दोनों? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग मोहित। इधर पढ़ाई चल रही है और राहुल का लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तू क्या कर रहा है? आपने देखा अभी ये लोग नागपुर गए थे, नागपुर से वापस आ गए, है ना? इसने हेडफोन लगाए, इधर मोबाइल है, क्या बात है, पढ़ाई चल रही है। कौन से सब्जेक्ट का पढ़ रहा है? अभी साइंस का पीरियड है। साइंस का पीरियड है, और तू कौन से सब्जेक्ट का पढ़ रहा? तू ही साइंस का पढ़ रहा है क्या? दोनों साइंस साइंस का पढ़ रहे, तो साइंटिस्ट बनेंगे क्या? नहीं। क्या बनना है? पायलट? मेरे को पायलट बनना है। तेरे को पायलट बनना है? तेरे को डॉक्टर? अच्छा, डॉक्टर बनना है, तो साइंस पढ़ रहा है ये। तो आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द थिंग हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर में एक नया एपिसोड हमने शुरू किया है, जो कि मैं एंकरिंग करने वाला हूँ, और उसमें हम चीज़ें बताने वाले हैं कि 2007, 2012 और 2017 के अंदर में जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसका पूरा एनालिसिस वीडियोज में आने वाला है। तो आपको वो और आपने अभी तक द थिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, द थिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कैमरा फेस करते समय आपको थोड़ा ठीक दिखना ज़रूरी है, तो अभी मैं थोड़ा सा ये जो लुक है उसको चेंज करने के लिए जा रहा हूँ, और उसके बाद में इस व्लॉग को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो लुक चेंज करने के अपने कुछ ये लुक निकल कर आया है, और जैसा मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा था वहां पर मुझे दिखाई दिया और इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड करने वाला मोमेंट आ चुका है, वो कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। सर्च कर रहा हूँ मीरा चानू। मीरा चानू मैंने सर्च किया है, जो कि एक वेट लिफ्टिंग प्लेयर है जो इंडिया के लिए खेलते हैं, और टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल लाया है इंडिया के लिए। तो ये हम सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट है, बहुत प्राउड एक महिला के तरफ से सबसे पहला सिल्वर मेडल आया है, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मीरा चानू इन्हें। ठीक है सर, बाबा साहब ये बात कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में रहने वाले महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। जिस समाज की महिलाएं प्रगति कर रही है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उसी समाज को मैं एक डेवलप सोसाइटी मानता हूँ, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो हर शाम की तरह हमने इस शाम में भी कुछ स्पेशल बनाया है। क्या बनाया है? तीखी सेवई है, इसको तीखी सेवई बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, खा के देखते कैसा लगता है। अच्छा, अच्छा बना। तो अभी मैं तय के यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर मैं
ट्विटर पर और यूट्यूब पर चेक कर रहा था कि बहुजन समाज से आने वाली एक बहुत ही खतरनाक मूवी आ चुकी है, जो कि अभी अमेजॉन प्राइम पर है और यूट्यूब पर भी ये धमाल मचा चुकी है, जिसका नाम है सरपट्टा। और ये मूवी का मैं रिव्यू देख रहा था कि ये मूवी कैसी है, यहाँ पर मैंने चेक किया तो काफी सारे ऐसे सीन्स है जिसको देखकर अगर आप बहुजन समाज से है तो आपको भी गर्व महसूस होगा कि बहुजन समाज अभी अपना एक सोशल मीडिया तो बना चुका है, बनाने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ फिल्मों में भी वो हमको नजर आ रहा है। तो वो कौन से सीन्स है जो कि मुझे देखकर बहुत ज्यादा अच्छे लगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉक्सिंग का ये हमको सीन दिख रहा है, तो ये मूवी स्पेशली बॉक्सिंग के ऊपर में डिपेंड है और लास्ट तक की इस मूवी के अंदर में बॉक्सिंग से रिलेटेड ही काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई। ये मैं वीडियो द न्यूज़ बीक का यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो दूसरी इस मूवी के अंदर में जो चीज़ें अट्रैक्ट करती है वो यहाँ पर कुछ शादी का मूवमेंट हमको दिख रहा है, जहाँ पे बुद्ध और बाबा साहब की फोटोज दिख रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनवादी है। अभी पिछले मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने शादी में बहन जी का फोटो गिफ्ट किया था और यहाँ पर बुद्ध और बाबा साहब की फोटो हमको दिख रही है। तो ये मूवी अगर आपको देखना है तो अमेजॉन प्राइम पर ये अवेलेबल है और ये मूवी वैसे तमिल में है, आपको उसका इंग्लिश सबटाइटल देखकर आप उस मूवी को देख सकते हैं और जब हिंदी डब आएगा तब आप और अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। और एक मूवी आने वाली है जिसका मूवी का नाम है जय भीम और ये मूवी का पोस्टर रिलीज हो चुका है, वो क्या है उसका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये आप जय भीम मूवी का पोस्टर देख रहे हैं जो कि रिलीज हो चुका है और हैशटैग जय भीम फर्स्ट लुक ये ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो एक्टर है ये है सूर्या शिवाकुमार और ये लॉयर के किरदार में यहाँ पर दिख रहे हैं और जो बहुजन समाज की परिस्थिति जो एक्चुअल देखते हैं हम इस तरीके से, तो कुछ यहाँ पर लोग नीचे में नजर आ रहे। तो ये मूवी को देखना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और डेफिनेटली मैं इस मूवी का वेट कर रहा हूँ और आप भी शायद इस पोस्टर को जब देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि कितने जल्दी ये मूवी आती है और हमें भी इस मूवी को देखना चाहिए। तो इस तरीके से बहुजन समाज अपनी तरक्की कर रहा है और ये सभी पॉसिबल हो पाया है बाबा साहब के कारण। तो जैसा कि आपने देखा मैंने दोनों मूवीज़ के रिव्यू या जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देना था जो आप समझ पाए वो मैंने आपको बताया और आज के हमारे व्लॉग में ताई नहीं दिख पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो वो भी रेस्ट करें, लेकिन संदीप भाव हमारे व्लॉग में है। तो अभी रिसेंटली ब्राह्मण सम्मेलन हुआ जो कि सतीश चंद्र मिश्रा जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के महासचिव है उन्होंने लिया। तो अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से भ्रम फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तिरक तलाजू और तलवार ये सारी चीज़ें इस तरीके से भ्रम फैला, क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि काफ़ी सारे हम देखते हैं कि दलित भी राजनीति करते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग राजनीति करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर देखो यूपी की पॉलिटिक्स जिसको समझी है, हाँ यूपी की पॉलिटिक्स में ब्राह्मण जो वोटर है हमेशा से ही किंग मेकर की भूमिका अदा करता। सही बात है। इसके पहले हमने 2007 का चुनाव देखे तो बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज को बहुत ज्यादा भागीदारी दी और वो समाज ब्राह्मण समाज बसपा की तरफ अट्रैक्ट हुआ, हमारी सरकार बनी। 2012 में वैसा ही हुआ, अखिलेश यादव की सरकार ब्राह्मणों के कारण बनी और 2017 का जो साल था जिसमें योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री बने थे और उसमें भी ब्राह्मण, यानी इस कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण जिधर रहता है उधर सरकार बनती है। अच्छा, ये है यूपी की पॉलिटिक्स। ब्राह्मण समाज वहाँ 11-12% है। बिल्कुल, मैंने इस वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में बोला था, वो मेरी मिस्टेक है, मैं 18% बोला था, लेकिन 11-12% ब्राह्मण, ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग है पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये भ्रम फैलाने वाले लोग कौन है ना। आइडेंटिफाई करने से, यानी आइडेंटिफाई करते वक्त हमको समझना पड़ेगा कि शायद ये भाजपा के लोग हैं या हमारे ही बहुजन समाज के कुछ सो कॉल्ड दलित चिंतक लोग हैं जो खुद को बहुत वैचारिक बोलते हैं, विचारवंत बोलते हैं, लेकिन असल में वो है नहीं, है ना। बाबा साहब का जो मिशन था वो किसी जाति के विरोध में नहीं था। बाबा साहब का मिशन था ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों में भी हो सकता है, साथ साथ वो बहुजनों में भी हो सकता है। बिल्कुल, है ना। अभी मुझे बताइए कि आठवले जी है हमारे, वो भाजपा में है, है ना। बिल्कुल, तो क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? वो ब्राह्मणवादी नहीं, वो तो और बसपा में अगर सतीश चंद्र मिश्रा है और वो हमारा नीला झंडा और हाथी निशान लेके पूरे यूपी के अंदर पूरे देश भर में घूम रहे हैं, बिल्कुल, तो वो क्या वो अंबेडकराइस्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल, वो तो अंबेडकर। बाबा साहब का जो मिशन है वो
वो कोई जाति के खिलाफ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको समान अधिकार दिए हैं। अगर हम बहुजन लोग ही ऐसा प्रचार करेंगे कि बाबा साहब का आंदोलन जो था वो ब्राह्मणों के खिलाफ था, तो ये सरासर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से नाइंसाफी होगी। बिल्कुल हाँ, ये मेन एक्चुअली ये बात है, ये नाइंसाफी होगी। और यही लोग, वही लोग इसका शिकार हो रहे हैं। ये जो आरएसएस का जो फंडा है, ये जो आरएसएस का प्रचार है, भ्रम फैलाने वाला उसको, उसका शिकार हमारे लोग हो रहे हैं। तो ऐसा भी जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस तरीके से भ्रम में आ रहे हैं, तो उनको उस चीज को सजग और सारी चीजों को डिटेल में सोच समझ कर ही आपको उसके ऊपर में रिएक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज प्रतिक्रिया ज्यादा देने के अंदर में व्यस्त रहता है, न कि मिशन मूवमेंट के काम को सही तरीके समझने में। तो ये चीजें धीरे धीरे आएगी और कोशिश आप जरूर करिएगा। एक बात और है कि कांग्रेस अगर दलित सम्मेलन लेती है तो इस सो कॉल्ड दलित चिंतकों को बहुत अच्छा लगता, अच्छा लगता है। उनके घर में दलितों के घर में जाकर वो खाना खाते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छा लगता है। और अगर बसपा ब्राह्मण सम्मेलन लेती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। ये बात है, तो ये दलित चिंतक उनके छोड़े हुए ही लोग हैं, इनसे समाज सतर्क रहे। ऐसी मैं सभी से गुजारिश करना चाहूंगा। बिल्कुल, तो आज के ब्लॉग में हमने काफी सारी चीजें ली है, तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर खत्म करते हैं। कोई भी चीज आज के ब्लॉग में आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, द थिंग को भी और मिशनरी पराग को भी। और इसी तरीके से हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।